पंजाब गो सेवा कमीशन के चेयरमैन कीमती भगत ने तरन तारण में गोधन सेवा व सुरक्षा के उपलक्ष्य में प्रशासनिक अधिकारियों से की है मीटिंग। मीटिंग के दौरान चेयरमैन कीमती भगत ने बताया कि गो सेवा के लिए पंजाब के सभी जिलों में केटल पाउंड बनाए जा रहे हैं। पंजाब में लाखों बेसहारा गौओं की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे इन केटल पाउंड पर 22 करोड़ तक खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब में गोधन की हत्या करने पर 1 वर्ष की सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। पंजाब की सभी गौशालाओं को पहल के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे और इन गौशालाओं को निःशुल्क बिजली मिल सके, इसके लिए भी पंजाब सरकार प्रयास कर रही है। चेयरमैन कीमती भगत ने बताया कि गो सेंस के माध्यम से जो भी राशि इकट्ठी होगी उसे गो सेवा व गो सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। उन्होंने नगर काउंसिल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की सभी डेयरियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए व डेयरी मालिकों को हिदायत की जाएगी कि वह किसी भी पशु को बेसहारा न छोड़े। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं को भी अपील की कि वह बेसहारा गौओं की सुरक्षा में सेवा के लिए कमीशन को सहयोग दे। आजाद टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो मैं आज मीटिंग दे विच सारे मानयोग सीनियर जो प्रशासनिक अधिकारी ने इन्हां को आस करांगा कि 1 महीने के अंदर अंदर यह सारा लवारस बेसहारा गौधन नूं असी अंदर लैके जाण वास्ते प्रयास करिए और जिहदे नाल लवारस बेसहारा गौधन की सेवा संभाल का सुरक्षा का काम जो सरकारी कैटल पाउंड गौशाला बनी है वो अंदर हो सके। मेरे ध्यान उस वेले गल आई सी, मैं उस वेले उन्हों दा बिजली का बिल जो है वो फ्री कराने वास्ते भी प्रयास किया और सारिया गौशाला चाण वाले समान ते बैट मुक्त की गई ने जिदे नाल 16 करोड़ रुपया सारे पंजाब दीयां गौशाला नूं उहदा बेनीफिट होएगा और गऊ सेवा सैस सारे पंजाब दे अंदर लगाया गया। जिला तरन तारण नूं भी नोटिस उहदा आ गया, उहदे नाल जिन्ने भी पैसे कलैक्ट होंगे सारिया जिहड़ियां गौशाला और जिहड़े कैटल पाउंड ने सरकारी गौशाला उन्हां दी सहायता उन्हां पैसों दे विचों कीती जाएगी।